हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ब्लैक डायमंड। माइनिंग सेक्टर से एक न्यूज़ आ रही है। माइनिंग सेक्टर में कोयला मंत्री श्री प्रहलाद जोशी ने ऑस्ट्रेलिया के एक उच्च स्तरीय शिष्टमंडल में खदान से मीथेन गैस निकालने को लेकर के सहयोग मांगा है। को बता दें कि CBM यानी कोल बेड मीथेन एक प्लांट होता है और उसी प्लांट को लगाने के लिए अलग अलग जगह पर भारत में चर्चा किया जा रहा है, जिसमें एक आध को परमिशन भी मिल चुका है। जैसे BCCL के मुनिडी एरिया के आसपास में एक CBM यानी कोल बेड मीथेन का प्रोजेक्ट लगाने का काम चल रहा है। इसी तरह से अलग अलग एरिया में जहां पर भी अबेंडेंट माइन मीथेन यानी AMM होते हैं, अबेंडेंट माइन मीथेन हो, तो उन जगहों पे ये लगाया जाता है। और CMM यानी कोल माइन मीथेन, मतलब जिस कोयला से ये निकाला जाएगा, मीथेन गैस निकाला जाएगा, उसको CMM, और जिस माइंस को बंद कर दिया गया है उसमें नॉर्मली ऐसा होता है कि बहुत सारा ऐसा माइंस है जो 3 डिग्री और 2 डिग्री माइंस के अंदर में आता है और उसमें काफ़ी गैस, मीथेन गैस भर जाता है और उसी मीथेन गैस को ऊर्जा के रूप में, एनर्जी के रूप में हम लोग यूज़ कर सकते हैं अलग अलग इंडस्ट्रीज़ में। उसी के लिए CBM यानी कोल्ड बेड मीथेन का जो प्लांट है उसको इस्टाब्लिश्ड करने को लेकर के ये मीटिंग किया गया है। इसका मेन एजेंडा वही है कि CBM भारत में लगाया जाए। और इस चीज़ को लेकर के भारत के कोयला मंत्री श्री प्रहलाद जोशी ने ऑस्ट्रेलिया को ये मदद करने की आह्वान किया है, ऑस्ट्रेलिया से मदद मांगा है। को बता दें कि कोयला मंत्री श्री प्रहलाद जोशी ने ऑस्ट्रेलिया के पूर्व प्रधानमंत्री और विशेष व्यापार राजदूत टोनी एबट के नेतृत्व में एक मीटिंग पे चर्चा की है और ऑस्ट्रेलिया के उस कमेटी ने श्री जोशी के साथ भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच जो बिजनेस है, व्यापारिक और आर्थिक रिश्ते हैं, उसको बढ़ाने की बातचीत की गई है। इसमें खास तौर पे फोकस रहा एनर्जी सेक्टर यानी ऊर्जा सेक्टर। ऊर्जा सेक्टर में गतिविधियों को बढ़ाने के लिए इसमें गौर किया गया है और भारत की जो ऊर्जा सेक्टर की ज़रूरतें हैं उनको पूरा करने के लिए और भारत की कई महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट हैं और एजेंडे हैं उनके समर्थन में ऑस्ट्रेलिया के संसाधनों का इस्तेमाल किया था। ऐसा हेल्प मांगा गया है कि ऑस्ट्रेलिया अपना संसाधन हमको दे, अवेलेबल कराए ताकि हम उन चीज़ों को यूटिलाइज कर सकें। श्री टोनी एबट के साथ भारत स्थित ऑस्ट्रेलिया के उच्चायुक्त श्री बैरी ऑफ रेल और ऑस्ट्रेलिया उच्चायुक्त के आर्थिक सलाहकार श्री हाउ बॉयलुन के भी शामिल थे इसमें। तो मौजूदा सरकार के दौर में कोल सेक्टर को खोलने के बारे में जो कमेटी है उसको जानकारी देते हुए श्री जोशी ने यह भी कहा है कि भारत में ऊर्जा के प्रमुख स्रोत के रूप में कोयले का बहुत महत्व है। उन्होंने बताया है कि भारत सरकार देश में कोयला उत्पादन को बढ़ाने में समुचित प्रयास कर रही है। ऑस्ट्रेलिया के शिष्टमंडल से आग्रह किया है कि ऊपरी सतह पर गहराई में मौजूद कोयले को गैस में बदलकर उस गैस को बाहर निकालने, लाने और कोयले की तरह स्तर पर कोयला का जो सरफेस है उस पर प्राकृतिक गैस के रूप में उत्पन्न मीथेन गैस आदि को निकालने के लिए ऑस्ट्रेलिया से सहयोग मांगा है। इन क्षेत्रों में संबंधित इंडस्ट्रियलाइजेशन भी प्रदान करने का हेल्प मांगा है। कोयला मंत्री ने बिजली से चलने वाले वाहन के लिए जो कारगर और जरूरी खनिज है वे सब ऑस्ट्रेलिया में उपलब्ध है और भारत में बिजली वाहनों के निर्माण के लिए ऑस्ट्रेलिया महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। कोयले चर्चा में कोयला मंत्रालय में जो सचिव हैं अनिल जैन वो भी उपस्थित थे। तो इस मीटिंग का खास एजेंडा रहा है मीथेन गैस का निष्कर्षण, यानी अलग अलग जो प्रोजेक्ट है, अलग अलग एरियाज हैं, वहाँ से मीथेन गैस निकाला जाए। और दूसरा जो एजेंडा रहा है वो रहा है पावर सेक्टर को और डेवलप करने के लिए। बहुत सारा जो मैकेनाइजेशन है वो इंडिया में पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, जिसके चलते श्री प्रहलाद जोशी ने ऑस्ट्रेलिया से हेल्प मांगा है कि जो भी CBM के प्लांट लगाए जाएंगे या एनर्जी सेक्टर, सोलर सेक्टर को सुधार करने के लिए या उसके लिए जो मैकेनाइजेशन के साधन होंगे वो ऑस्ट्रेलिया अवेलेबल कराए, ताकि जो कोयला का डिमांड है 1 बिलियन टन का जो टारगेट रखा गया है उस टारगेट को पूरा किया जा सके, साथ ही साथ जो इलेक्ट्रिसिटी का डिमांड है उसको भी पूरा किया जा सके। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा और अगर इससे रिलेटेड कोई भी आपको डाउट है या आप कुछ भी टॉपिक में कमेंट करना चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, टिल देन जय। अगर आपने अभी तक हमारे फेसबुक पेज को लाइक नहीं किया है, फॉलो नहीं किया है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, फेसबुक पेज को लाइक कर ले, फॉलो कर ले। और टेलीग्राम ग्रुप को अगर आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं, साथ ही साथ ट्विटर पर भी चाहें तो फॉलो कर सकते हैं, हैंडल आ रहा होगा स्क्रीन पर। और ऐसे ही
कोल माइनिंग, मेटल माइनिंग और पावर सेक्टर से रिलेटेड हर छोटी बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए, हर वैकेंसी से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल ब्लैक डायमंड को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, टिल देन जय हिंद।